आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। लखनऊ से खबर है जहां केंद्र सरकार के सचिव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। लखनऊ में सीएम के सरकारी आवास पर मुलाकात हुई। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मुद्दे पर सीएम योगी से मिले सचिव परमेश्वरन अय्यर। मुलाकात में जल संरक्षण की काशी मॉडल, जल संरक्षण नलकूपों के जीर्णोद्धार पर चर्चा की गई। भूगर्भ जल संरक्षण बुंदेलखंड पैकेज के तहत जल योजना को गति देने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। प्रदेश सरकार दिसंबर महीने में बुंदेलखंड योजना का शिलान्यास करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा। मुख्य सचिव आर के तिवारी और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री शशि प्रकाश गोयल भी मौजूद रहे। तो लखनऊ में सीएम कार्यालय में ये तमाम मीटिंग हुई है। केंद्र सरकार के सचिव मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। जल संरक्षण नलकूपों के जीर्णोद्धार पर यहां पर चर्चा हुई है। ज्यादा अपडेट के साथ में न्यूज वन इंडिया एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी मीटिंग को लेकर? काफी महत्वपूर्ण मीटिंग थी। परमेश्वर नय्यर भारत सरकार में सचिव है इस मंत्रालय के, जल शक्ति मंत्रालय, स्वच्छता मंत्रालय, तमाम तरह जिम्मा है उनके पास। वो आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे और उसी दौरान मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। और मुख्य तौर पर जो इस मुद्दे इस बैठक के अंदर चर्चा में आए वो जल संरक्षण का मुद्दा था, बुंदेलखंड पैकेज के तहत वहां पर जो जल परियोजना शुरू की जा रही है उसको लेकर के था। और मुख्यमंत्री की ओर से भी ये जानकारी दी गई कि इस परियोजना का शुभारंभ यानी शिलान्यास जो है वो दिसंबर 2019 में ही कर दिया जाएगा। इसके अलावा भूगर्भ जल संरक्षण को लेकर के बातचीत हुई। काशी मॉडल जो पेयजल योजना का है उसको लेकर के काफी बातचीत हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव शशि प्रकाश गोयल भी मौजूद रहे। तमाम जल संरक्षण विभाग और भूगर्भ विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्रालय के भी कई सारे अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मौजूद रहे। और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जल परियोजनाओं को आगे बढ़ाना है इस पर इस बैठक में मुख्य तौर पर चर्चा हुई। चलिए अवनीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।